दुर्गा वाहिनी की पूर्व सह संयोजिका भावना शर्मा ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर कहा कि आज ही लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले नहीं हो रहे हैं, पहले भी ये मामले होते आए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने समय समय पर पुरोला जैसे घटनाओं को रोका है, लेकिन अब उत्तराखंड में लव जिहाद नहीं चलेगा। दुर्गा वाहिनी की पूर्व सह संयोजिका भावना शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले उजागर हो रहे हैं, वो पहले भी होते थे। समय समय पर दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद ने इन्हें उठाया है। भावना शर्मा ने कहा कि पहले देश का मीडिया लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को नहीं दिखाता था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब ये घटनाएं किसी से छुपी नहीं हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। भावना शर्मा ने कहा कि कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के साथ छल कपट करके उसका धर्म परिवर्तित कराएं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माथे पर तिलक, हाथों में कलावा बांधकर हिंदू महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाकर प्रेम जाल में फंसाकर उनकी निर्मम हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दे आ रहे हैं तो मीडिया की वजह से ये घर घर तक पहुंच रहे हैं और हमें इन छुपी हुई चीजों का पता भी चल रहा है। और छोटी बच्चियों के साथ ये लव जिहाद तो है ही है, छोटी बच्चों के साथ भी रेप बलात्कार ये चीजें उस समय पर भी थी और अब भी सुन ही रहे हैं। और अभी जो लड़कियों को काट के इनके टुकड़े करके फ्रिज में डाल देना, ये चीजें तो और भी ज्यादा अब और ज्यादा भयावह भयानक रूप लेती जा रही है। ये अब लव जिहाद के साथ साथ ये लड़कियों के लिए एक मरने का एक कारण बन गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।